एक्चुअली पहले स्कूल वैन करता था, स्कूल वैन के साथ में मैंने चालू करा था, करीबन मेरा फोर ईयर होने वाला है, चार साल होने वाला है, चार साल होने वाला है। हाँ जी, ये 18/4 को करीबन चार साल हो जाएंगे। अच्छा, और शाम को मैं हर रोज मैंने यहाँ पर ढोकला, खिचू और काला जामुन, तीन चीजें, ढोकला, खिचू और काला जामुन, तीन चीजें सर्व करता हूँ। और ढोकले में टू काइंड ऑफ ढोकलास है, जो एक चीज फ्राई ढोकला है और जो रेगुलर चीज फ्राई ढोकला, मतलब उसमें क्या करता है? उसमें फायर गन से बटर मेल्ट करके ऊपर स्प्रेड करता हूँ। अच्छा, एंड देन चीज उस पे लगाते हैं। अच्छा, उसके ऊपर चीज लगाते हैं और फिर फायर करते हैं उसके। हाँ जी, उसके ऊपर फायर करते हैं। क्या बात है। दूसरा, उसके अलावा? उसके अलावा अपने खिचू है। हाँ। और काला जामुन। काला जामुन और खिचू। हाँ जी। अच्छा, तो क्या खिलाएंगे हमें? आप जो बोले वही। तो पहले फायर ढोकला दिखाओ एक बार। ओके सर। ये मिर्च नहीं रहती है, ये स्पेशल मसाला रहता है। अच्छा, चाट मसाला टाइप? हाँ, चाट मसाला, लेकिन चाट मसाला नहीं, चाट मसाला नहीं। अच्छा, ये अपने ढोकले लगने जा रहे हैं। देखिए भाई, कुछ पीसेस आते हैं कि क्या रहता है? करीबन रेगुलर में 12 पीसेस रहते हैं, इसमें मैं 13-14 पीसेस में ऐड करता हूँ। 13-14 पीसेस रहते हैं। हाँ जी। रेगुलर खाओ सिर्फ ढोकला तो 12 पीसेस। हाँ जी। इसमें बटर, ये भाई बटर आ गया, कौन सा बटर यूज़ करते हैं? अमूल बटर यूज़ करते हैं। हाँ। तो इसमें डाला आपने, इसमें नहीं लगाया? नहीं, इसमें अभी उसको फायर करना रहेगा। अच्छा, अमूल बटर को फायर करेंगे? हाँ जी। क्या बात। बटर और चीज़ दोनों फायर करके। भाई गुजरात में आओ तो बटर और चीज़ तो खाने को मिलेगा ही, लेकिन अलग अलग तरह से मिलेगा। देखो, यहाँ पे अमूल बटर हमारा गरम हो रहा है। देखिए भाई, ऐसे ही हम आपको कुछ ना कुछ नया नया दिखाते रहते हैं अपने वीडियो में। तो आप अभी तक अगर आपने हमारा चैनल, हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया वीडियो को, तो भाई ये तो बहुत गलत बात है। पेज को लाइक करना तो बनता है भाई, फॉलो कर दीजिए चैनल पे। अगर देख रहे हो यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए, आ गया बटर, फुल ऑन बटर भैया ने डाल दिया है। आ रहा है चीज़। तो इस तरह से आप यहाँ पे गैस का उपयोग नहीं करते? गैस स्टोव कुछ नहीं रहता? कुछ नहीं सर, मैं एक्चुअली यूट्यूब पर देख के ही अपने अपने हिसाब से ये इन्वेंट करा है। अच्छा, अपने हिसाब से आपने स्टार्ट। हाँ, करा है। ऐसा तो कोई मुझे ख्याल है जब तक ऐसे कोई ढोकले में वगैरह कोई ऐसा। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं करता, आइडिया नहीं करता। चीज को मेल्ट कर रहे हैं भैया। और ये दो तरह की चटनी रहती है, राजकोट वाली खट्टी। हाँ, रुको, इसमें लहसुन है? लहसुन तो वो मैं डालू, दूसरी लहसुन वाली चटनी और ये राजकोट वाली खट्टी चटनी, जो गोर्धन। हाँ, भाई की, रसिक भाई की बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। रेडी हो गया? हाँ जी, रेडी। ये कितने की प्लेट है? ये 60 रुपीस। ये देखो भाई, 60 रुपीज़ में ढोकले की प्लेट विद फुल ऑफ चीज़। हाँ, चीज़, फायर चीज़ ढोकला बोलते हैं भाई। हाँ, एक एक काला जामुन आप बोल रहे हैं, वो एक कर दीजिए। तो ये ढोकले के साथ मैच करता है कि कैसे, आपने कैसे सोचा कि यार काला तीखा? जामुन भी आपको। हाँ, करना है। तीखा वगैरह लगता है, तीखा वगैरह लगता है। अच्छा, तो उसके साथ काला जामुन। ये कितना प्राइस रहती है इसकी? इसका 10 रुपीज़ ईच। 10 रुपीज़ ईच। ये आ गया अपना ढोकले के साथ काला जामुन। तो चलिए ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई कैसा टेस्ट रहता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ढोकला विद चीज, विद बटर और उसके ऊपर फायर। तो भाई फ्लावर मत समझना इसको, फायर है। करते हैं ट्राई, पहले ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं।
चीज के साथ थोड़ा अलग तो लग रहा है पर मजा भी आ रहा है। खट्टी चटनी के साथ बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। चीज का थोड़ा सॉल्टी बना और उसके साथ ये जो अलग मसाला डाला हुआ है भैया ना, उसका भी अलग कमाल आ रहा है बीच में। एग्जैक्ट टेस्ट मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ लेकिन मजा बहुत आ रहा है भैया। मीठी चटनी आपको चाहिए इसके साथ? नहीं, ये दूध केचप तो होना चाहिए ना? नहीं है, केचप रखना स्टार्ट करो भैया को हमने केचप रखने के लिए बोला हुआ है, तो शायद अगर आप विजिट करो यहाँ पे तो आपको केचप भी साथ में मिल जाएगा भैया मानेंगे तो। ठीक है, इसके अलावा काला जामुन है, इसका तो क्या रिव्यू करना है, तो सबकी पसंद होता है। बहुत ही बढ़िया दोपहर के नाश्ते के लिए 100% रिकमेंडेशन है हमारे। यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। यहाँ पर अपने बादशाह विला बंगलो हिंदी सुपरमार्केट से सामने, हिंदी सुपरमार्केट के सामने थलतेज अहमदाबाद। और ओटलो बोला जाता है ना, हाँ, गूगल पे ओटलो सर्च करते हैं तो मिल जाएगा। गूगल में ओटलो लाइव ढोकला सर्च करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ तक मिल जाएगा जी। यहाँ पर काफी बढ़िया, थैंक यू भैया ने जो एड्रेस बताया है उसके ऊपर आप आ सकते हैं। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और गुजराती फ्रेंड्स को टैग करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।